अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं टैलेंटेड इंडिया और मैं हूं राहुल तिवारी। सोशल मीडिया यानी एक ऐसा जरिया जो अपनी बात को सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए सशक्त रूप से आज इस्तेमाल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हम रोज़ाना देखते हैं जो कहीं ना कहीं ट्रेंड में होती है और उस ट्रेंड के पीछे फिर पूरी दुनिया भागती रहती है। ऐसे में सेलिब्रिटीज़ यानी कि प्रसिद्ध हस्तियां हमेशा अपने फैंस से जुड़ने के लिए और अपनी बातों को उन तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है। फैंस यहां अच्छी और बुरी प्रतिक्रियाएं देकर ये भी साबित कर देते हैं कि उनके चाहने वाले या जो अभिनेता अभिनेत्री उन्हें जिन्हें वह पसंद करते हैं उनके द्वारा किया गया वह काम सही है या नहीं है। इसलिए कई सारी सेलिब्रिटीज़ अपनी चीज़ों को जचवाने के लिए सोशल मीडिया का समय समय पर इस्तेमाल करती रहती है। ऐसे ही एक सेलिब्रिटी हैं बॉलीवुड के दबंग खान भाईजान के नाम से मशहूर सलमान खान। सलमान खान हमेशा ट्विटर और अन्य सोशल माध्यमों से लोगों से जुड़े रहते हैं। जब भी कोई नई फिल्म की घोषणा उन्हें करनी होती है, नई फिल्म के बारे में कुछ बताना होता है, पोस्टर शेयर करना होता है, तो सलमान खान निश्चित रूप से अपने फैंस तक वह जानकारी ट्विटर या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से पहुँचाते हैं। लेकिन शनिवार को थोड़ा अजीब हुआ। शनिवार को एक टीज़र सलमान खान की फिल्म का सोशल मीडिया पर आया और उसके बाद सलमान खान के चाहने वालों ने सोशल मीडिया पर ही उनके मज़े भी ले लिए। इंदौरी भाषा में यदि हम कहें तो ये कहते हैं कि थोड़े से कचरे भाईजान के सोशल मीडिया पर लोगों ने कर दिए। कचरे कैसे? सलमान खान की एक फिल्म है नोटबुक जो 29 मार्च को रिलीज़ हो रही है। इस फिल्म में सलमान खान मुख्य भूमिका में तो नहीं है लेकिन एज अ प्रोड्यूसर सलमान खान इस पूरी फिल्म को देख रहे हैं, पूरी फिल्म के निर्माण में अपना योगदान भी दे रहे हैं और जो दो नवोदित कलाकार हैं उन्हें इस फिल्म के माध्यम से लोगों से इंट्रोड्यूस करवाने का काम सलमान खान कर रहे हैं। फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में ज़हीर इकबाल और प्रनूतन ये हैं। फिल्म का टीज़र और फिल्म के प्रोमोज ये सब बहुत बाद में आएंगे लेकिन शनिवार को एक छोटा सा प्रोमो तरण आदर्श जो बॉलीवुड ट्रेंड एनालिसिस्ट हैं उन्होंने ट्विटर पर एक टीज़र साझा किया। टीज़र क्या था? नोटबुक फिल्म के गाने का जिसमें सलमान खान ने अपनी आवाज़ दी है। यानी सलमान खान इस फिल्म में मुख्य भूमिका में तो नहीं है लेकिन उनकी आवाज़ में एक गाना चाहने वालों को, उनके पसंद करने वालों को सुनने को मिल सकता है। तरण आदर्श ने इस गाने की थोड़ी सी क्लिप करीब एक मिनट की साझा की और लिखा कि सलमान खान एक बार फिर गाना गाकर अपनी आवाज़ फिल्म में दे रहे हैं। नोटबुक फिल्म का ये जिक्र था। उसके बाद ट्विटर पर जिस किसी ने भी इस गाने को सुना उन्होंने इस पर कमेंट्स करना शुरू किए। कई सारे अच्छे कमेंट्स तो आए ही लेकिन उन कमेंट्स में कुछ कमेंट्स ऐसे भी थे जिसमें सलमान काफ़ी ट्रोल हुए। ये कमेंट्स थे फैंस के और फैंस ने इन गाने के बाद एडिट किए जाने के भी आरोप लगाए। कुछ यूज़र्स ने लिखा कि जो गाना है उसे एडिट किया गया है। एक यूज़र ने लिखा कि ये गाना सेल्फिश सॉन्ग को टक्कर देगा। सेल्फिश सॉन्ग रेस 3 फिल्म का गाना था जिसे सलमान खान ने अपनी आवाज़ दी थी और ये गाना पूरी तरह से फ्लॉप हुआ था। इसके बाद एक दूसरे यूज़र है उन्होंने लिखा कि रहने दे भाई, यानी कि इसे रहने दो मत गाइए, इसमें ऑटो ट्यूनर हो रहा है, यानी आवाज़ अपने आप ट्यून हो रही है। एक और जो है यूज़र उसने इस गाने के ठीक नीचे अक्षय कुमार की एक तस्वीर साझा की जिसमें ये लिखा था कि अबे रहने दे। इस तरह से यूज़र्स ने अपनी प्रतिक्रियाएं अलग अलग तरीके से इस गाने के नीचे देना शुरू की और देखते ही देखते गाने का जैसे ही टीज़र उन्होंने साझा किया उसके थोड़ी ही देर के बाद सलमान खान ट्विटर पर ट्रोल होना भी शुरू हो गए। कुल मिलाकर बात यह है कि सलमान खान का ये गाना शायद ट्विटर के यूज़र्स को या उनके चाहने वालों को कम पसंद आया। पहले इस गाने को आतिफ असलम ने अपनी आवाज़ दी थी लेकिन पुलवामा अटैक के बाद जिस तरह से पाकिस्तानी कलाकारों का विरोध हो रहा है उसके बाद आतिफ असलम की आवाज़ को इस गाने से हटा दिया गया। बाद में इस गाने को रिकॉर्ड किया जाना था। सलमान खान ने सोचा कि कहाँ किसी गायक वायक को परेशान करेंगे, इसलिए उन्होंने खुद ही अपनी आवाज़ इस गाने में दे दी। और आवाज़ देने के बाद सलमान खान को लगा था कि पहले फैंस से इस गाने को जचवा लिया जाए ताकि फिल्म में वो पसंद किया जा सके, लेकिन फैंस ने इसकी पहली ही झलक देखते हुए इसे नकार दिया। बहरहाल थोड़े बहुत फैंस ऐसे हैं जिन्हें शायद गाना पसंद नहीं आया हो लेकिन एक बड़ा तबका ऐसा भी हो सकता है जो सलमान खान का चाहने वाला है और उनकी आवाज़ को भी पसंद करता हो। अब गाने को क्या रिएक्शंस मिलेंगे, गाने को क्या प्रतिक्रियाएं मिलेंगी ये तो फिल्म रिलीज़ के बाद या गाने के रिलीज़ के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी तक की खबर जो थी वो यही थी कि बॉलीवुड के बजरंगी भाईजान ट्विटर पर शनिवार को ट्रोल हो गए और उनके प्रशंसकों ने उन्हें खासकर गायकी के क्षेत्र में अभी नहीं कुछ करने की ही सलाह दे डाली है। यह खबर थी जो हमने आपसे साझा की। आप देखते रहिए टैलेंटेड इंडिया।